नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ LJPR के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष छोटन पासवान जी हैं। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के इनकी तैयारी कैसी है और क्षेत्र में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसी है इस बार की चुनौती। सबसे पहले सम्यक समाचार में स्वागत है सर। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे संसदीय वैशाली लोकसभा में प्रतिक्रिया क्या है उसके विषय में आप जानने, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं कि हमारे घर तक चल के आए हैं। क्वेश्चन कीजिए, हम सब चीज़ें बताएंगे आपको। सर, इस बार का जो चुनाव है उसमें पिछले बार में आप मोदी लहर में जीत गए थे, ऐसा जनता कहती है। इस बार मोदी लहर है नहीं, ऐसे में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मोदी लहर तो अगले बार जितना था उससे भी ज़्यादा है। अब साथ में हमारे चिराग पासवान, परमादरणीय चिराग पासवान जी साथ में, उससे भी ज़्यादा मोदी लहर है और चिराग लहर है। इसलिए चुनाव में हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं है, अगले बार से ज़्यादा वोट से हम लोग चुनाव। मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जनता आपके सांसद से बहुत नाराज है। देखिए, जनता नाराज है, थोड़ा सा नहीं, घूम फिर में कमी थोड़ा सा हुआ है, इसके लिए थोड़ा नाराजगी है। लेकिन चलिए, काम तो हुआ है, विकास के काम हुआ है, लोग को नज़रिया में नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं जब विकास हुआ है और हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ प्रशंसा हो रही है और एक तरफा हम लोग को वोट होगा, कहीं से कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। आपके सामने प्रतिद्वंद्वी जो हैं वो भी सवर्ण समुदाय के हैं और टिकट ही उनको इसीलिए दिया गया है कि वो सवर्ण समुदाय का वोट ट्रांसफ़र कर सकेंगे। वह तो टिकट मिला है लेकिन वोट नहीं मिलेगा। टिकट मिला लेकिन वोट नहीं मिलेगा। टिकट मिला लेकिन वोट नहीं मिलेगा, ये गारंटी है, गारंटी है जी। मैं जानता हूँ वो टिकट मिल जाना ठीक है, लेकिन वो मोदी लहर चिराग लहर है। बीना देवी अपार वोट से चुनाव जीतेगी, जितना अगले बार जो जीती थी उससे ज़्यादा वोट से जीतेगी। हम लोग भी पूरे वैशाली में कम से कम 6 विधानसभा है, 3 विधानसभा को अभी हम लोग भी दौरा किए हैं और हम तो परिचय नहीं दिए कि हमें पूर्व लोक जनसंयुक्त पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सह मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, 2001 में उप मुखिया का पदभार भी ग्रहण किए हैं। 2001 से लगातार मैं सक्रिय राजनीति में है। जनता के बीच में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? जनता के बीच देखिए किसी प्रकार की ज्यादा समस्या है नहीं, जनता के बीच है कि इस बार पुनः तन मन से हम लोग चुनाव में करेंगे, वोट देंगे, मैडम को जिताएंगे, है ना। मोदी लहर चिराग लहर में बीना देवी आती है तो मुखिया जी हमसे बोलते हैं कि अपार काम धंधा होना चाहिए, हम लोग को जान पहचान होना चाहिए, हम लोग को एक बात में पहचान है। मैडम से हमारी बातचीत हुई और सब लोग को पहचानते हैं। आपके प्रतिद्वंदी मुन्ना शुक्ला लगातार क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं और 17 साल बनाम 17 महीने का एजेंडा लेकर के आए हैं कि नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी जी 17 महीने की सरकार में तो नौकरियां दिए और आगे भी 1-2 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी, उसको लेकर के वो भजा रहे हैं क्षेत्र में। अब भजा रहे तो आपको देखना है, श्रीमान पत्रकार महोदय, हम आपसे कहना चाहेंगे कि नौकरी जो तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 1,00,000 मैंने दिया नौकरी, लेकिन कब दिया? मुख्यमंत्री कौन था जी? परम आदरणीय नीतीश कुमार या उप मुखी डिप्टी CM थे, तो नौकरी का श्रेय सबसे ज्यादा तो नीतीश कुमार के जाता है ना। अब हवा बनाकर कहते कि नौकरी हम दिए, अब हम पंचायत में मुखिया हैं और उप मुखिया कहे कि हम सब कुछ करते, ऐसा नहीं है। कुमार जी का जो पार्टी का वोट है वो आप पर ट्रांसफर होगा क्या? जो 20 का मामला था, चिराग पासवान जी हनुमान बने हुए थे, क्या वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है आपको क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले होता है कि शाम का भूला हुआ अगर सवेरे में मिल जाता तो उसको खोया हुआ भूत लाया हुआ नहीं कहते हैं, और हरिया एक जगह रहता है तो ढब्बा लगता है। अच्छा। तो नीतीश बाबू का जो भी वोट है हम पर ट्रांसफर हो रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग बदला लेने के मूड में नहीं है? कोई बदला नहीं है, सारा वोट हम पर ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग बहुत अपार वोट से चुनाव जीतेंगे। मुन्ना शुक्ला लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, देखिए सवाल घूम घूम करके आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल में यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है। अब सवाल है कि काम तो हुआ है ना। हाँ। हम लोग घूम रहे हैं ना, बीना देवी अपार वोट से जीते कि काम हुआ है, मैडम के साथ हम लोग वादा भी किए हैं कि क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं तो किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ा सा यह है कि अगला कार्यक्रम जो है आप चुनाव जीत के आती है तो जो हम लोग वादा कर रहे हैं उस पर खड़ा उतरना है, तो मैडम का आश्वासन है कि मुखिया जी हम लोग पूरे वैशाली में
जहां भी जो काम है आप लोग का इशारा होगा, आप लोग जिस तरह से वोट मांगने जाते हैं आपका इशारा काफी है, आप लोग जैसे कहिएगा जो काम है एकदम काम होगा। रीना देवी पर चिराग पासवान के घर तोड़ने का आरोप लग रहा था। चिराग पासवान खुद कई बार आरोप लगा चुके हैं कि घर तोड़ने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं, फिर उनको टिकट मिला। सवाल है कि अगर हम है हमारे बाबूजी हैं जी, एगो माने टिप्पणी कहते कि हम है और हमारे बाबूजी हैं, अब हो सकता है कि हमसे हट के हमारे चाचा के साथ चल गए हैं और चाचा भी मेरे साथ है तो कहाँ कोई गया। इसमें बीना देवी के ज्यादा कुछ नहीं है, एक घर से वो घर यानी अपने घर में गया है, अपने घर चाचा के घर अपने घर है, मेरा घर अपने घर है, तो इसको हम ज्यादा नहीं मानते हैं। बीना देवी कोई ज्यादा ही नहीं है, शाम में गया सुबह में चला गया लौट के, इसलिए हम लोग को इससे कोई परेशानी नहीं है। एकदम सहयोग मिल रहा है, चिराग भाई पूरा एकदम तन मन से इनको सहयोग कर रहे हैं, टिकट दिए। हम लोग 29 तारीख के पूरे माने दल बल के साथ काफी संख्या में अपार संख्या में इसी में आजमा दिया जाएगा ना जी, कितना संख्या में हम लोग जा रहे हैं, काफी संख्या में जा रहे हैं। नामांकन में हम लोग को काफी जनसैलाब रहेगा, जनसैलाब रहेगा, जो कहीं रैलियां होती है वह रैलियां के जैसे निकल नामांकन होगा, इसमें कहीं कहीं कोई दो राय नहीं है जी। जी बिल्कुल। तब इस बार क्या प्रतिशत रहेगा वोट का, क्या रेशियो रहेगा? हम तो आपसे बोले हैं कि अगले बार से ज्यादा रहेगा, अगले बार से ज्यादा रहेगा जी। अगले बार बीना देवी जी को वोट मिला, हमारे पासवान जाति से भी कुछ न कुछ वोट कम मिला हाँ। लेकिन इस बार तो इशारे में बुझ जाइए, इस बार एक वोट पासवान के कटने नहीं जा रहा है हाँ। 100 में 100% वोट आने जा रहा है, यहाँ तक कि कमेंटमेंट हो रहा है कि जो पासवान बिरादरी के लोग कोई असम बंगाल चेन्नई दुनिया के जहाँ भी बाहर भीतर कमाने गए हैं सब लोग मत वोट देने आ रहे हैं, सब लोग वोट देने आ रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ेगा बिल्कुल, बाहर से सब लोग आएंगे यहाँ वोट देने। आप लोग यहाँ स्थायी व्यवस्था क्या नहीं करते हैं कि लोग बाहर जाए ही नहीं? सरकार से हम मांग करेंगे और अपने सांसद महोदया श्रीमती बीना जी से मैं आग्रह करूंगा, सत्ता में है आपके साथ है, आप सरकार में है जी, क्या मांग करिएगा ना, तो है ना, कहने का मतलब बहुत काम हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं काम हुआ है। मिल के बारे में मोदी जी कह के गए थे, मोतीपुर का चीनी मिल चालू करेंगे, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2024 में हमारी सरकार बनेगी, चीनी मिल भी स्टार्ट होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। अब 2024 में बिल्कुल 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 सब होगा। और जहाँ तक हमारे आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, एयरपोर्ट दरभंगा चला गया, एम्स दरभंगा चला गया, अच्छा वो गया है तो हमारे बिहार में कहीं गया है ना, इसके लिए ज्यादा प्रतिक्रिया करने की जो, तो हमारे बिहार में है ना, दरभंगा को बांटिए नहीं, दरभंगा मेरा है, मुजफ्फरपुर मेरा है, पूरे बिहार मेरा है। लेकिन तो नाकामी छुपाना हुआ? नहीं नहीं कहीं कुछ नहीं है, कहने का मतलब कि यहाँ भी होगा जी, वहाँ बना है तो यहाँ भी होगा। कोदो के चावल जैसा है, नहीं नहीं नहीं, तीन चुनाव से कोदो के चावल कहीं छोट कहीं बड़ नहीं हुआ है, वह दरभंगा है तो मेरा है, बिहार में है, मुजफ्फरपुर में बनेगा, पता है में बनेगा। सरकार से हमारी मांग है, जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, जनता के बीच में वादा करते हैं, और 5 साल गायब रहते हैं, नहीं नहीं गायब नहीं है मैडम, घूमी है, लोग को आरोप है हाँ। लोग को आरोप है कि मैडम विकास नहीं किया, मैडम कहीं घूम फिर नहीं किया है, ऐसा गलत है, मैडम घूमी है। गरीब तकबे का एक अगर कार्ड जाने का भी मौका मिला तो वहां जा करके न्योता करने के काम किया है, जो यह प्रथम सांसद हमारे वैशाली के बिना दी है जो गरीबों के दरवाजे तक गई है। मुई में तेजस्वी यादव के मंच के नीचे से आपके नेता को गाली दिया जा रहा था, क्या कहिएगा? देखिए ये तो बहुत दुख दर्द बात है हाँ। अब रह गया कि चिराग पासवान के एजुकेशन हाँ। और जो गाली पढ़े हैं उनका एजुकेशन जी। देख लिया जाए कि हम लोग के भी माता पिता पढ़ाए हैं हाँ। हम लोग पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं जी। टीचर को नौकरी करके भी रिजाइन मारे अच्छा। हैं ताकि पॉलिटिक्स में आ गए ठीक हाँ। है अब रह गया कि चिराग पासवान शिक्षित है हाँ। वह साक्षर नहीं है अच्छा। तो शिक्षित को अगर कोई साक्षर गाली पढ़ता है हाँ। तो हम लोग उसको धर नहीं धरते, हम लोग को ऊपर देखना ना है, गाली थोड़े देखेंगे जो कौन गाली पढ़ दिया है हाँ। है ना, अरे माँ हमारी माँ है, पुत का पुत होगा लेकिन माता को माता नहीं होगा ठीक ना, तो हम लोग उस पर ध्यान ना देते, हम लोग को ऊपर देखना है। और ये तो स्वाभाविक बात है कि कभी जमुई में गाली सुनवाते हैं, कभी वैशाली में गाली सुनवाते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग SC ST से आते हैं हाँ। हम नाम क्या धरना है, हम तो हाँ। कह ना सकते कि कौन जात का, लेकिन SC ST को हो गया ना भाई, अशब्द का बात का स्लोगन किया गया जी। अब फिर पुनः मान ले कि हम किसी को गाली पढ़ के अगर माफी मांग लेते हैं, लेकिन लोग तो सब जात में पढ़ लिखल रहे हैं जी। क्या अब हमारा शुक्ला का बयान आया था कहीं, उस पर तो आप नहीं कह रहे ना? देखिये
कहावत में जो हम लोग को पूर्वज कहते थे कि थोड़ा कहना बहुत समझना, पहले चिट्ठी लिखाता था जे थोड़ा लिखना बहुत समझना, तो नाम धरने की जरूरत नहीं है, लोग अपने पूछ जाएंगे जो कौन पढ़ा है, नाम धरने से क्या जरूरत है, ताकि किसी को नाम धरने से मतलब होता है कि उनको प्रचार करना, तो हम प्रचार करना नहीं चाहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, किसी आदमी को नाम पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई नामकरण नहीं, ताकि उनको आघात पहुंचे। अब बुझने वाला तो बुझ रहे, रह गया कि अगर हमको आप गाली पढ़िएगा, हमारे माँ को गाली पढ़िएगा, जाति शब्द पढ़ के गाली पढ़िएगा, तो हम तो भीतरे भीतरे हम तो कहने का मतलब कि आपके बराबरी नहीं है, मजबूत नहीं है, लेकिन जितना अधिकार एक वोट देने का आपका है, उतना गरीब गुरबा का भी वही अधिकार है जो एक मत देता है, तो हम लोग मत दे करके बदला लेंगे, गाली पढ़ के गाली का बदला मत से, बस मत से देंगे, सीधी सी बात है, गाली के बदला मत से देंगे, गाली के बदला गाली से नहीं है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, कीचड़ को धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बस हो गया, तो गाली कीचड़ है, कीचड़ है, मत पानी है, मत पानी है, चलिए पानी के तहर बहेगा, और वैशाली में हेलीकॉप्टर तो समझे कि उड़ना शुरू हो गया, पानी में थोड़े हेलीकॉप्टर, पानी में पानी से ऊपर उड़ रहा है, अब उड़ रहा है, अच्छा ठीक ना, समुद्र को पार करेगा, अब मान लें कि यहाँ से दिल्ली जाना है, तो ट्रेन से जाना है, अच्छा समय लगेगा ना, लेकिन हेलीकॉप्टर तो पानी में छड़प जाएगा, अच्छा हनुमान जी जो है एकदम लंका दहन कर देगा, हनुमान जी को इस बार कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, संकट एकदम जदयू हमारे साथ है, संकट मोटर नाम त्योहार हो है ना, एकदम संकट में सब लोग हम लोग साथ है, जदयू हमारे साथ है, हम लोग के साथ है, विधानसभा में फिर खेला नहीं ना करिएगा आप लोग ना, विधानसभा में तो अब एक बार बात कहते हैं कि हमारी पत्नी भी महिला प्रकोष्ठ की बीजेपी के अध्यक्ष है, अच्छा तो हम कैसे खेला करेंगे, विधानसभा में भी हमारे परम आदरणीय है, उनके साथ है, तो है जी, हम लोग खेला क्या करेंगे, हम लोग कर्मठ है, हाँ। और हम लोग बाप का वह जन्म सपूत है कि रघुकुल रीत सदा चले जाए, प्राण जाए पर बचन जाए, एक साथ है तो साथ में रहेंगे, हम लोग इधर उधर नहीं करने वाले लोग, साथ में रह के खेला बेल करने का बात हो रहा है, नहीं नहीं साथ में रह के खेला नहीं करेंगे, साथ में रह के हम लोग जिस साथ में है एक तो मजबूती के साथ हम लोग आ रहे हैं। चलिए तो हमारे साथ छोटन पासवान जी थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, वैशाली लोकसभा से आते हैं, इनकी बातों पर आप क्या राय रखते कमेंट करके बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद।